आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पष्ट तौर से एक बात बोल दूं मैं आप सभी को, ये वीडियो बस वही देखिएगा जिसको भारत से प्यार है, जो भारत माँ का बेटा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले एक दो वीडियो से मैं देख रहा हूं, अगर मैं रोजगार के ऊपर बात करूं, भारत का डेवलपमेंट के ऊपर बात करूं, भारत के गरीब के ऊपर बात करूं ना, तो मैं देखता हूं वीडियो में जहां पर 2000 लाइक होता है वहां पर 10-15 जो है वो डिसलाइक कर देते हैं। यानी आप ये देखो कि अगर मैं रोजगार के ऊपर बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, गरीब के लिए बात कर रहा हूं, तो 10-15 डिसलाइक आ जाता है। ये कौन है? या फिर पाकिस्तानी हो सकते हैं, या फिर जिनको देश से प्रेम नहीं है, पार्टी से पहले प्रेम है, यानी पार्टी पहले देश गया तेल लेने, ये वही लोग हैं। अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं और उनको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो कांग्रेस बीजेपी वाले जो सपोर्टर है वो साइड रहना वीडियो से, क्योंकि मैं हमेशा मुद्दे के ऊपर बात करता हूं और जेन्यून बात करता हूं। ठीक है, आज देखो बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया भारतीय रेलवे जो है वो निजीकरण के ऊपर आप कुछ बोलिए, बहुत डर लग रहा है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ग्रुप डी का 2 से 2.5 करोड़ बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है और 500 रुपया दिए हैं। अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 1 साल से 1.5 साल 2 साल होने वाला है, कुछ पता तक नहीं है फॉर्म कहां पर है, फॉर्म कहां पर नहीं है। और अचानक आता है न्यूज कि रेलवे जो है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके पहले एक कहानी सुनाऊंगा, पहले ये कहानी समझ लेना, उसके बाद ना आपको पूरा चीज समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मान लो ना एक घर है, ये क्या है, मान लो ये एक घर है, इस घर के अंदर क्या है, 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर हैं। चीज को पहले समझ लेना अच्छे से, मान लो 5 मेंबर है इसके अंदर, इसमें क्या है ना, 5 में से 2 लोग जो है उनकी स्थिति अच्छी है, यानी पैसे वाले हैं, बाकी 3 लोग क्या है, वो बहुत क्या है, बहुत गरीब है। ठीक है ना, चीज को समझना, बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे रहा हूं ताकि आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो एक घर है, उसमें 5 मेंबर रहते हैं, 2 पैसे वाले हैं, 3 बहुत गरीब है। अब क्या हो रहा है, ये जो घर है ये अब अपना घर से निकलकर इस घर को क्या किया जा रहा है, रेंट पर दिया जा रहा है, भाड़े पर। अब ये भाड़े पर जो लेगा वो घर को अपने तरीके से चलाएगा, और इतने दिन तक जो घर चला आ रहा था, 2 अमीर लोग बाकी, लेकिन घर बनाने में ये पैसा दिए थे तो ये लोग अपना खून पसीना मिलाए थे, सीमेंट ईटा सब ढोए थे, सब मतलब गरीब का भी जो है वो खून पसीना है अगर इनका पैसा है तो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये पैसा वाला देख रहा है कि यार मेरे साथ साथ ना गरीब भी जो है वो कहीं ना कहीं इस घर में रह रहा है। अब इनको ये बात खटक रहा है, अब ये क्या किए, इस घर को रेंट पर लगा दिए। अब जो भी रेंट लेगा वो अपने तरीके से घर चलाएगा, हर एक फैसिलिटी देगा। अब जब ये रेंट पर ले लेगा तो अब ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा वाला है उसको बोलेगा आप अंदर आइए, और जो गरीब है उनको बोलेगा आप बाहर जाइए। यही चीज है, एग्जैक्टली यही चीज है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। और हाँ, आप ट्विटर के ऊपर ना इस चीज को ट्रेंड कराने का कोशिश करिएगा, रेलवे एग्जाम कराओ। ठीक है, इस चीज को रेलवे में ट्रेंड कराइए, हर एक दोस्त से वीडियो शेयर करिए, सबको बताइए, सब कोई इस चीज को ट्रेंड कराए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए सबसे पहले पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसमें रह कौन जाएगा, पढ़े लिखे युवा, क्योंकि वो दब रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो बस सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं कुछ फोटो वीडियो देखकर, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका घर चल रहा है, उनके ऊपर प्रॉब्लम भी आ रहा है ना, वो देख रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं, फिर भी उनके लिए सबसे पहले पार्टी है कांग्रेस चाहे बीजेपी। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, छात्र आंदोलन क्या क्या नहीं कर सकता, हमारे इतिहास को उठाकर देख लो, जयप्रकाश नारायण बिहार वाले कुर्सी तक दिल्ली का हिला दिए थे छात्र आंदोलन से, तो ये आपके हाथ में। वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ, अगर कोई बोलता है कि हम नहीं करेंगे दूसरा कर लेगा, हम नहीं करेंगे दूसरा कर जाएगा, ऐसे कोई नहीं करेगा, और इसी में सब गेम खेलकर निकल जाएंगे, और रह कौन जाएगा, पढ़े लिखे युवा आप लोग रह जाएंगे। तो अपना आवाज उठाइए, बताइए, स्पष्टीकरण कम से कम आप सभी को चाहिए, आप सभी ने फॉर्म फिलअप किया है, आशा है आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो यहां पर 2 साल से ज्यादा हो गया और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप ये चीज तो उठा सकते हैं ना, अपने लिए नहीं अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि उनका उम्र हो रहा है, उनको उम्मीद है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं।
तो कम से कम उनके लिए कष्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, बताइए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराइए इस चीज को, ठीक है, ताकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए इस चीज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये वाला, आप चीज समझना। और जो वीडियो डिसलाइक करेंगे उनके लिए मैं क्या बोलूं, आपके लिए पार्टी पहले है, हम सभी के लिए पहले देश है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पहले कांग्रेस बीजेपी हो सकता है, लेकिन हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग के लिए पहले देश है। अब देखो रेल जो प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है, उससे पहले एक डाटा देख लो। आप सभी को पता है मिडिल क्लास से नीचे वाला परिवार जो है भारत का आबादी का 80 करोड़ है। आपको लगता है रेलवे प्राइवेट होने के बाद वो 80 करोड़ लोग जो है वो प्राइवेट जो ट्रेन होगा उसमें चढ़ पाएंगे? भाड़ा बहुत ज्यादा है। अभी तेजस का एग्जाम्पल देखे होंगे, 1200-1500 भाड़ा है और डेली इंसान उतना कमाता भी नहीं है, समझ रहे हैं, जो डेली दो वक्त की रोटी ढंग से नहीं खा पाता है वो तो मतलब गरीब तो नहीं चढ़ पाएगा, ये तो कंफर्म है। और रेलवे हम लोग बोलते हैं, रेलवे हम लोगों का जान है, पता है ना। 17 मार्च 2019 को चुनाव से पहले जो हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल ने, उनका वीडियो है ये, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे गाली दीजिएगा, आप मुझे गाली मत दीजिए, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है। अगर मैं कमी दिखा रहा हूं तो आप सभी सवाल उठाओ, क्योंकि देश सबसे पहले है। तो रेल मंत्री का बयान था, संसद में खड़ा होकर ये स्पष्ट तौर पे बोले थे कि जो भी विरोधी दल अगर ये बोल रहे हैं, लोग को भड़का रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पर रेल मंत्री के नाते बोल दे रहा हूं कि रेलवे प्राइवेट की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो उनका स्टेटमेंट है, मुझे गाली मत दीजिएगा इस चीज को लेकर, मुझे गाली मत दीजिएगा, वो उनका स्टेटमेंट था। तो अब जो रेलवे है वो प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, रेलवे नुकसान पर चल रहा है, ये भी एक पॉइंट है, रेलवे नुकसान पर चल रहा है। अब एक बात बताओ, कोई भी अगर प्राइवेट फर्म आएगी, बाहर से कंपनी पैसा लगाएगी, तो वो नुकसान उठाने तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ वो भाड़ा बढ़ाएगी, पैसा कमाएगी। सब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, और पैसा किससे कमाएंगे, गरीब से नहीं कमाएंगे, क्योंकि गरीब तो उसमें चढ़ ही नहीं पाएगा। अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बात समझो, मान लो जो वो लोग करेंगे वो काम तो हम भी कर सकते हैं ना, हम लोग सरकार है, क्या कमी रह गई है वो चीज हम लोग भी तो देख सकते हैं, हम भी तो अच्छे से बना सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, अगर ये प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो प्राइवेट क्या करेगा, पैसा कमाएगा, और सरकार को क्या मिलेगा, अपना संपत्ति देकर। तो भैया हम लोगों को ना जो है वो बस टैक्स मिलेगा, या फिर जो भी इनकम होगा उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी उसका बड़ा हिस्सा बिजनेसमैन लेकर जाएगा हमारे प्रॉपर्टी से, यह चीज स्पष्ट है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है रेलवे प्राइवेट नहीं होकर जो चीज करना चाहिए कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, क्या कमी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सरकार के तरफ से, ताकि जो ये मेरा संपत्ति है वो बरकरार रहे और कोई प्राइवेट फर्म की तरफ ना हाथ जाए। आज भी एक सच्चाई है, बड़ा बड़ा फर्म, या मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम से लेके HAL या कोई भी कोल को लेकर देख लो, सब जगह प्राइवेट घुस चुका है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक चीज आप स्पष्ट कर लेना, आपको नहीं लगता है कि ये अगर भारत का संपत्ति है तो जितना भी इनकम है सरकार इसको अच्छे से कर इसका पूरा प्रॉपर्टी भारत के पास आए, किसी के पास हिस्सा ना जाए, आपको नहीं लगता है कि पूरा ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए, लगता है ना। अब बात आता है एक कि भैया रेलवे का एग्जाम जो है ना वो होगा कि नहीं होगा। देखो अगर फॉर्म निकाली है सरकार तो एग्जाम तो जाहिर सी बातें होगी, लेकिन बोल सकते ना कि ऐसे पहले कुछ और वीडियो आता है, पहले नेता कुछ और बोलते थे, लेकिन आज वही वीडियो उस नेता को दिखा दिया जाए ना तो बोलेगा हम नहीं है, हम नहीं बोले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और वो नहीं, साथ साथ देखो वो नहीं, उनके साथ साथ घर में जो परिवार है उनका, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर रखा है कि मेरा बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम निकालेगा। तो ये तो मान सकते हो आप सभी, अगर सरकार फॉर्म निकाली है तो एग्जाम तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, एग्जाम आपका होगा ही होगा। अब कब होगा नहीं होगा, रेलवे तो टेंडर खेल रही है, अब एक दो महीना का और इंतजार कर लो, जो गाइडलाइंस जो नोटिस दिया गया है कि तब तक टेंडर मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं इसका इन लोगों का स्पष्टीकरण क्या आ रहा है इनके ऊपर रेल मंत्रालय की तरफ से, तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बात उठा रहे हैं सोचना पड़ेगा आप सभी को, और जो आपको हैशटैग दिए हैं आप कम से कम ना हर जगह वीडियो शेयर करना और ट्विटर पर ट्रेंड कराओ आप सभी, क्योंकि आप सभी को पता है ना छात्र आंदोलन, हमारे देश में छात्र आंदोलन इतना स्ट्रांग है
कि कुर्सी तक हिल जाता है, तो छात्र आंदोलन है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा भाई, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा आप सभी को। तो जो मैंने आपको हैशटैग बताया है उसके ऊपर आप लोग काम करिए, ट्रेंड करवाइए, आपके हाथ में, वीडियो शेयर करिए, हर एक लोगों को बोलिए। ये मत सोचिए हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा, हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा, कोई नहीं करेगा। इसी में सब गेम तब खेल कर चला जाएगा और रह कौन जाएंगे आप, याद रखिएगा। तो जो भी दिया हूं ट्विटर के ऊपर शेयर करिए, हर एक दोस्त को बताइए कि इस चीज को ट्रेंड कराओ, ये आपके हाथ में। क्योंकि जयप्रकाश नारायण आंदोलन पता है ना, बिहार वाले कितना आंदोलन था, कुर्सी तक हिल गया था अपने हक की लड़ाई के लिए। तो यहां हक की लड़ाई के लिए आपको बोलना पड़ेगा।